आज हम बनाएंगे भिंडी मसाले। ये है हमारे मसाले और ये हमारी भिंडी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें कुछ मेथी के दाने डालेंगे। मेथी के दाने जब अच्छे से सेटल हो जाए तब हम इसमें अपनी भिंडी डालेंगे। ये अब हम अपनी भिंडी डालेंगे। भिंडी को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक भिंडी का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इस भिंडी को अच्छे से फ्राई करेंगे। इस बीच हम अपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं। मीनवाइल हम तब तक अपने मसाले पीस लेंगे, जिसमें है टमाटर, पीली काली सरसों, थोड़ी सी हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ। मसालों को हम अच्छा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। हम इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच पानी डाला है। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से पिसकर तैयार है। अब हम इसमें सादे सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च थोड़ी सी, मेरे यहाँ ज़्यादा तीखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, और धनिया पाउडर है ये भी 1/2 छोटी चम्मच, और ये काली मिर्च पाउडर। अब हम इन मसालों को अपनी भिंडी में डाल लेंगे और इसे अच्छे से सौते करेंगे। हमारे जार में भी बहुत सारे मसाले लगे हुए हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने कहा था ना वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, अच्छे से सेक कर लेंगे जार को और सारे मसालों का पानी हम इस सब्ज़ी में ही डाल देंगे। एक्स्ट्रा अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मसाले फ्राई करने के लिए हमें। अब हम अपनी भिंडी को अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि मसाले अच्छे से फ्राई ना हो जाए। मसालों को फ्राई करना है इसलिए हम इसे तेज फ्लेम पे ही रखेंगे। ये हम मैंने अभी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जो कि तीखापन नहीं देता है पर केवल कलर देता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा सब्जी। आप भी चाहें तो इसे डाल सकते हैं या चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डाल दी हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए सब्जी का कलर। अब यहाँ हम सब्जी को ढक के 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। सब्जी को ढक के भुनने से इसकी खुशबू नहीं निकलती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी सब्जी अब कैसी लग रही है। इसे अभी थोड़ी देर और भुनेंगे। 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी भुनकर तैयार है। इसे अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से सौते करने के बाद अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे। सब्जी हमारी भुनकर तैयार हो गई है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम लोग थोड़ा
ग्रेवी ही खाते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा कम ही पानी डालूंगी, 1 से 1.5 कप के अंदाज से पानी डालेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम अपनी सब्जी चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई, टेस्टी मसाले वाली।